आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं गुड़ का पराठा। उसके लिए थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है और उसे हमें क्रश कर दिया है, और गेहूं का छोटा सा एक लोई ले लिए। इसको अच्छे से हम लोई को बेल लेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमने इसको अच्छे से अभी बेल लिया है, और हम अभी इसमें एक साइड में इसे गुड़ डाल देंगे जो हमने ये क्रश किया हुआ था। उसके बाद हमने एक दो बूंद पानी का इसमें डाल देना है। हमने इसे अच्छे से बेल लिया है और एक साइड में हमें इसने गुड़ डाल दिया है, और अब हमने इसमें एक दो बूंद पानी के डाल देने हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, और साइडों में इसे थोड़ा सा हल्का सा गीला कर देना है, और हमें इसे अच्छे से भी इसे फोल्ड कर देना है। इसे थोड़ा सा दबा देना है और तवे में इसको अच्छे से स्लो आंच में पकाना है। अच्छे से गर्म हो गया है और अभी हम इसको अच्छे से स्लो आंच में सेक लेंगे। अभी अच्छे से सेक गया है तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए। अभी ये रेडी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।